Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. It is my email ID, and the lecture will be very useful for various teaching examinations because theories of motivation is a very crucial and important and you can say common topic of all of the competitive examinations. Okay, and today I am going to discuss Hertzberg's two-factor theory of motivation. It is also called as dual-factor theory and many more names. So let's start. बात चल रही है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की. तो हमने बात की थी कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत को दो मुख्य अप्रोचेस के तहत पढ़ सकते हैं, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज. तो जो कंटेंट थ्योरीज हैं वो क्या कहती हैं, जिनको नीड थ्योरीज भी कह सकते हैं. नीड थ्योरीज मतलब कि वो बताती है कि वो कौन सी आवश्यकताएं हैं जो ड्राइव की तरह काम करती हैं और जिनके लिए मनुष्य इंडिविजुअल मोटिवेट होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. तो कंटेंट थ्योरीज में हमने चार उसके प्रकार पढ़ने थे हमको, मैस्लो, एल्डरफर, हर्ज़बर्ग और मैक्लीलैंड, जिसमें हम मैस्लो पढ़ चुके हैं, एल्डरफर पढ़ चुके हैं और आज हर्ज़बर्ग का टर्न है. उसके बाद मैक्लीलैंड जब कवर कर लेंगे तो हमारा कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो जानते हैं क्या है ये हर्ज़बर्ग का दो कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत. फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग इनका नाम, एंड हिज टू कोलेबोरेटर्स और इनके दो सहयोगी मॉज़नर एंड सिंडरमैन डेवलप्ड द मोटिवेशन हाइजीन थियरी. इनकी थियरी टू फैक्टर थियरी है, ड्यूअल फैक्टर थियरी है, ड्यूअल थियरी है, मोटिवेशन हाइजीन थियरी मेनली या मोटिवेटर हाइजीन थियरी के नाम से जानी जाती है. इन देयर बुक मोटिवेशन टू वर्क, इन्होंने किताब लिखी मोटिवेशन टू वर्क और उसमें इन्होंने जिक्र किया अपनी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का. इन्फ्लुएंस्ड बाय मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जितनी भी थ्योरी आप पढ़ेंगे, हमने एल्डरफर को पढ़ा था वो उसी का कंडेंसेशन था, हर्ज़बर्ग पढ़ रहे हैं वो उस पर आधारित है, मैक्लीलैंड पढ़ेंगे वो उसका एक्सटेंशन है. यानी कि जितनी भी थ्योरीज आ रही है मोटिवेशन की, सब कहीं ना कहीं मैस्लो की थ्योरी पर ही आधारित है. इसीलिए मैस्लो की थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है. इन्फ्लुएंस्ड बाय मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मेनी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स रिकॉग्नाइज हर्ज़बर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द वर्कप्लेस फ्रॉम हिज आर्टिकल. क्या आर्टिकल लिखा था इन्होंने, वन मोर टाइम हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉय, एक और बार कैसे आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, मतलब ये आर्टिकल था उसमें उन्होंने अपने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का जिक्र किया. लाइक मैस्लो, मैस्लो की तरह ही हर्ज़बर्ग एस्टैब्लिश्ड इस थ्योरी इन द 1960s, 1960 में के आसपास ये थ्योरी आ रही है. अ टाइम व्हेन द कल्चर बिलीव्ड दैट पीपल वर मोस्टली मोटिवेटेड बाय मनी, मतलब ये वो समय था जब ये माना जाता था, ये विश्वास किया जाता था कि लोग सिर्फ धन से आकर्षित होते हैं, मतलब धन ही है वो कारक जो मोटिवेट कर सकता है उनको किसी काम को पूरा करने के लिए. हर्ज़बर्ग रिब्यूक्ड दिस ट्रेडिशनल आइडिया, उन्होंने इस ट्रेडिशनल आइडिया का विरोध किया, बिलीविंग दैट इट वॉज एक्चुअली द कंटेंट नॉट द कंटेक्स्ट ऑफ ए जॉब दैट कॉज्ड सेटिस्फैक्शन. मोस्टली ये जॉब के सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की थ्योरी है कि कैसे जो है वो एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड होता है, कैसे डिससेटिस्फाइड होता है और क्या करे इम्प्लॉयर जिससे जो उसके इम्प्लॉयज हैं वो हाईली मोटिवेटेड रहे, उसे क्या होगा भाई, उनका उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका फायदा बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा. इसलिए ये सारा तामझाम पढ़ाया जा रहा है कि कैसे आप एम्प्लॉय को स्टूडेंट को मोटिवेट रखें. पर मेनली चूंकि ये जॉब और वर्क प्लेस से रिलेटेड है इसलिए ये एम्प्लॉय के ही संदर्भ में पढ़ी जाएगी, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यू हैव टू नो अबाउट दिस थ्योरी. ओके, तो इन्होंने कहा कि नहीं, कंटेंट जो है वो ज्यादा मायने रखता है बजाय कि कंटेक्स्ट के, जो कि सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है जॉब या वर्क प्लेस पर. जानते हैं और क्या, हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन थ्योरी मॉडल गोज बाय ए नंबर ऑफ डिफरेंट नेम्स, बहुत नामों से जानी जाती है. जैसे मैंने आपको बताया इसको टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसको हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से जानते हैं, ड्यूअल स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं. हर्ज़बर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ट्राइज टू गेट टू द रूट ऑफ मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस, ये थ्योरी इसके पीछे पूरा मूल कारक क्या है, पूरी जड़ इसकी क्या है कि ये खोजना है हमको कि जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाला है, जो वर्कर है, वो वर्क प्लेस पे कैसे मोटिवेटेड रहे. One can leverage this theory to help you get the best performance from your team. मतलब जो managers हैं, जो professionals हैं, जो employers हैं, उनको जरूर इस theory के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो जान सके कि कैसे वो अपनी team को highly motivated condition में रख सकते हैं. The two factors identified by Hertzberg are motivators and hygiene. और यही जो दो कारक इन्होंने दिए उसी में से एक कारक को motivation या motivator और दूसरे को hygiene का नाम दिया.
This theory argues that job satisfaction and dissatisfaction exist on two different continua. देखिए ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने की है. Each with its own set of factors. मतलब generally हम क्या मानते हैं कि satisfaction और dissatisfaction एक ही पोल पे है. एक पोल पर हम satisfied हैं तो दूसरे पे dissatisfied है. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब का डिससेटिस्फेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं. दोनों बिल्कुल अलग कंटिन्यूम पे चल रही हैं. अलग कारक हैं जो हमको सेटिस्फाई बनाते हैं, अलग कारक हैं जो हमको डिससेटिस्फाइड बनाते हैं. दिस रन्स कॉन्ट्रेरी टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन विच पोजिट्स दैट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन आर इंटरडिपेंडेंट. हमेशा पहले ये माना जाता था कि जॉब का सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन एक दूसरे पर ही आधारित है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर उनकी आत्मनिर्भरता है, पारस्परिक निर्भरता है. तो इन्होंने कहा नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन एक दूसरे पर नहीं आधारित है, पहली बात, एक पोल पे नहीं है, दूसरी बात, अलग अलग कंटिन्यूआ है और अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं. और आगे जानते हैं, हर्ज़बर्ग एंड हिज कोलैबोरेटर्स इन्वेस्टिगेटेड 14 फैक्टर्स. 14 कारक इन्होंने ढूंढे रिलेटिंग टू जॉब सेटिस्फेक्शन इन देयर ओरिजिनल स्टडी. जो इनकी प्रारंभिक मूल अध्ययन था उसमें उन्होंने ढूंढे कि 14 कारक जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन से को के लिए जिम्मेदार है. क्लासिफाइंग देम एज आइदर हाइजीनिक और मोटिवेशन फैक्टर. और उसी को उन्होंने कुछ को हाइजीनिक में रखा, कुछ को मोटिवेशन में. मतलब बहुत सारे वर्कर्स से इन्होंने, एम्प्लॉईज से बात की कि कैसे आप अपनी जॉब में, कौन सी वो चीज़ है जो आपको बिल्कुल सेटिस्फाई रखती है, क्या वो कारक है जिससे आपको जॉब से डिससेटिस्फेक्शन होता है. और बहुत बातचीत करते हुए, अध्ययन करते हुए, रिसर्च करते हुए तब इन्होंने अपनी थ्योरी निकाली है. मोटिवेशन फैक्टर्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन. अब ये जाने कि मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर है क्या. मोटिवेशन फैक्टर ये कह रहे हैं कि इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर हमारे पास, हमारे वर्क प्लेस में मोटिवेशन फैक्टर होता है तो हम अपनी जॉब के प्रति संतुष्ट होते हैं. व्हाइल द प्रेजेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर्स प्रिवेंट्स जॉब dissatisfaction. जबकि hygiene factor किस लिए जरूरी है, कि वो job dissatisfaction को रोक सके, है ना. इसीलिए तो दो कारकों की जरूरत पड़ती है, motivation और hygiene. अगर job satisfaction और job dissatisfaction एक ही पोल पे होते तो एक ही प्रकार के कारक से काम चल जाता. भाई वो होता तो हम जॉब से सेटिस्फाई होते, वो नहीं होता तो हम dissatisfied होते. पर ऐसा नहीं है. इन अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग ये कह रहे हैं कि कुछ कारक ऐसे हैं जो हमको जॉब के प्रति सेटिस्फाई बनाते हैं, उनको हम मोटिवेशन फैक्टर कह रहे हैं. और कुछ कारक ऐसे हैं जो अगर ना हो तो हम जॉब से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, और उनको ये हाइजीन फैक्टर कह रहे हैं. तो ध्यान दीजिए इस पे. इन हिज थियरी हर्ज़बर्ग क्लेम्स दीज फैक्टर्स फंक्शन ऑन द सेम प्लेन. इन अदर वर्ड्स, सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन आर नॉट पोलर ऑपोजिट्स. मैंने आपको बता दिया कि एक ध्रुव पे नहीं है. टेकिंग अवे एन एम्प्लॉइज डिससेटिस्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल बाई ऑफरिंग अ हायर सैलरी डज नॉट नेसेसरीली मीन द एम्प्लॉय विल देन बी सेटिस्फाइड. द एम्प्लॉय इज जस्ट नो लॉन्गर डिससेटिस्फाइड. मतलब समझ में आया, ये कह रहे हैं कि पहली बात तो दोनों एक ध्रुव पे नहीं है, यानी कि इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम डिससेटिस्फाइड होंगे. समझ में आ रही बात. या ये नहीं है कि हम सेटिस्फाइड हैं तो हम डिससेटिस्फाइड नहीं है. दोनों अलग अलग कंटिन्यू है. वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी को हायर सैलरी दे दें तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा. इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो अब डिससेटिस्फाइड नहीं है. यानी कि ये संतुष्टि और असंतुष्टि एक ही पैमाने पे नहीं है. संतुष्टि के लिए अलग कारक जिम्मेदार हैं, असंतुष्ट ना हो इसके लिए दूसरे कारक जिम्मेदार हैं. तो ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम संतुष्ट नहीं है तो असंतुष्ट होंगे. नहीं, क्यों? क्योंकि एक पोल पे है ही नहीं ना. ये हो सकता है कि हम संतुष्ट तो नहीं है लेकिन असंतुष्ट भी है. और असंतुष्ट मतलब कि संतुष्ट और असंतुष्ट एक ध्रुव पे ना होने की वजह से अलग अलग कारक हैं जो हमको अपनी जॉब के प्रति संतुष्ट या असंतुष्ट बनाते हैं. तो अभी और आगे जाना पड़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. अब ये देखिए, मोटिवेशन फैक्टर किसको कह रहे हैं, हाइजीन फैक्टर किसको कह रहे हैं. और ये बात ध्यान दे रहे हैं कि मोटिवेशन फैक्टर की प्रेजेंस हमको जॉब के प्रति सेटिस्फाई बनाती है, जबकि हाइजीन फैक्टर्स की प्रेजेंस हमको रोकती है डिससेटिस्फेक्शन होने से. यानी कि दोनों ही फैक्टर जरूरी है. ओके, तो बस कहने का तरीका अलग अलग है. द प्रेजेंस ऑफ मोटिवेटर्स कॉज एम्प्लॉइज टू वर्क हार्डर. मतलब अगर हमारे पास मोटिवेशन फैक्टर होते हैं तो हम बढ़िया काम करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हम सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से. दे आर फाउंड विद इन द एक्चुअल जॉब इटसेल्फ. और वो जॉब के का ही हिस्सा है. दीज आर रिलेटेड टू वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन. इसको वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं. जैसे दे कवर इंट्रिंसिक नीड्स, यानी कि ये हमारी आंतरिक जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक नीड है, उसको पूरा करते हैं. जैसे हमको अचीवमेंट मिल रहा है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हमको बड़ी तरक्की मिल रही है,
हमको लोग पहचान रहे हैं, हम एकदम लेवल वन से लेवल टू से लेवल थ्री फटाफट फटाफट चलते चले जा रहे हैं. दीज फैक्टर्स अलाउ एम्प्लॉयज टू बी कंटेंट इन देयर जॉब्स. तो हम क्या होते हैं, अपने जॉब के प्रति संतुष्ट होते हैं, हमको खुशी मिलती है, एंड प्रमोट ग्रोथ एंड इनकरेज एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर. हमारी ग्रोथ हो रही है, हम एकदम बढ़िया हैं, खुश हैं अपनी जॉब से, और एकदम अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हम अभी प्रेरित होते हैं. कब? जब हमारे पास मोटिवेशन फैक्टर होता है. ये जॉब में ही है, जॉब से ही हमको अचीवमेंट मिल रही है, जॉब से ही हमको रिकॉग्निशन मिल रही है, जॉब से ही जॉब में ही एडवांसमेंट हो रहा है. लेकिन हाइजीन फैक्टर क्या कह रहा है, दीज वोंट इनकरेज एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड. ये कहीं कहता नहीं है कि एम्प्लॉय अच्छा काम करे, बट दे विल कॉज देम टू बिकम अनमोटिवेटेड इफ दे आर नॉट प्रेजेंट. लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो हम अनमोटिवेटेड हो जाएंगे. जैसे हाइजीन फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एक्चुअल जॉब इटसेल्फ. ये एक्चुअली जॉब में नहीं है, बट सराउंड द जॉब. मतलब हम जॉब ऐसा तो नहीं वैक्यूम में जॉब करते हैं, भाई हमको पीयर ग्रुप मिलता है, हमको हमारा मैनेजर मिलता है, हमको हमारे बॉसेस मिलते हैं, हमको हमारे दोस्त मिलते हैं, हमारा हमसे छोटे लोग मिलते हैं, हमसे ऊंचे मिलते हैं हायरार्की में. तो वो सब क्या है, अराउंड द जॉब है. तो वो भी तो जरूरी है जॉब के प्रति सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करने के लिए. दीज मस्ट बी प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन. मतलब ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, वो जरूर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम डिससेटिस्फाइड ना हो जाएं. हाइजीन फैक्टर्स कवर एक्सट्रिंसिक नीड्स सच एज पे ग्रेड, वर्क प्लेस पॉलिसी एंड रिलेशनशिप्स विद देयर पीयर्स. मतलब ये जो है वो एक्सट्रिंसिक नीड्स है, जबकि मोटिवेशन फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक. अचीवमेंट के लिए हमको कोई पैसा नहीं मिलना है, हमको रिकॉग्निशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमको कोई उसके लिए धनराशि मिले. लेकिन अगर हमको अचीवमेंट और रिकॉग्निशन मिलता है तो हमें खुशी होती है, हम सेटिस्फाइड होते हैं. लेकिन एक्सट्रिंसिक नीड भी जरूरी है, जैसे कि पे ग्रेड. अगर सैलरी बढ़िया नहीं है तो चाहे जितना भी रिकॉग्निशन मिले आप नहीं वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे. या वर्क प्लेस की पॉलिसी, आप पॉलिसी से बिल्कुल परेशान हैं तो आप नहीं अच्छा काम करना चाहेंगे. लेकिन अगर वर्क प्लेस पॉलिसी अच्छी है तो आप डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा आपको. एंड रिलेशनशिप्स विद देयर पीयर्स, जिन लोगों के संग आपको उठना बैठना है उनके संग ही आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो चाहे जितनी भी बढ़िया आपको अचीवमेंट रिकॉग्निशन मिल रहा हो, फिर आपके लिए वहां पे काम करना मुश्किल हो जाएगा. ये कंसेप्ट. अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है मोटिवेटर और क्या है डिससेटिस्फायर. देखिए, सेटिस्फायर यानी मोटिवेटर वो जो जरूरी है हमको अच्छा काम कराने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए. जैसे परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, हमको रिकॉग्निशन मिल रही है, हमारे जॉब का स्टेटस बढ़िया है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हमारे एडवांसमेंट के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, हमारी ग्रोथ हो रही है, और वर्क इटसेल्फ. ये सारे फैक्टर्स जरूरी हैं हमको सेटिस्फाई करने के लिए. इंप्रूविंग दीज फैक्टर्स हेल्प्स टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन. अगर ये फैक्टर बढ़ते हैं तो हम अपनी जॉब के प्रति सेटिस्फेक्शन फील करते हैं. बट डिससेटिस्फायर्स ये क्या है, हाइजीन फैक्टर्स. ये क्या कह रहा है कि अगर ये नहीं होंगे तो हम डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे. यानी कि इनकी प्रेजेंस हमारे डिससेटिस्फेक्शन को रोकने के लिए जरूरी है. जैसे सैलरी, आपको बहुत बढ़िया अचीवमेंट मिल रहा है पर सैलरी बढ़िया नहीं मिल रही तो गड़बड़ होगी बात. तो सैलरी बढ़िया होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल वर्क स्पेस जहां हम काम कर रहे हैं वो बढ़िया होना चाहिए, हवादार हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो वहां पे, रिलेशनशिप विद कलीग्स जो हमारे संग उठने बैठने वाले हैं, जिनके संग हमको काम करना है, उनके संग हमारा कैसा रिश्ता है, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, आपकी सुपरवाइजर से आपका नहीं अगर ताना बाना बैठ रहा है तो भी बड़ी दिक्कत है, क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर कैसी है, पॉलिसीज कैसी है उस पॉलिसी उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इंस्टीट्यूशन की. ओके, तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे कि सेटिस्फायर क्या कर रहा है, हाइजीन फैक्टर क्या कर रहा है, मोटिवेटर क्या कर रहा है. मोटिवेटर की प्रेजेंस हमको सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है, और हाइजीन फैक्टर्स की प्रेजेंस हमको डिससेटिस्फाइड ना होने देने के लिए जरूरी है. ओके, चार दशाएं बन सकती हैं. एक बार में हम हाई हाइजीन और हाई मोटिवेशन फैक्टर है, दूसरे में हाई हाइजीन तो है पर मोटिवेशन फैक्टर लो हो गया है, तीसरे में हाइजीन लो है पर मोटिवेशन फैक्टर हाई, और चौथे में लो हाइजीन भी है और लो मोटिवेशन भी है. तो हाई हाइजीन और हाई मोटिवेशन मोस्ट आइडियल कंडीशन है, और लो हाइजीन एंड लो मोटिवेशन सबसे बेकार कंडीशन है. देखिए, हाई हाइजीन और हाई मोटिवेशन में क्या होगा, दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन एंड द वन व्हिच एवरी मैनेजर शुड स्ट्राइव फॉर. सारे मैनेजर्स चाहेंगे कि उनके एम्प्लॉयज जो है वो इसी दशा में रहें, तभी वो हाईली मोटिवेटेड होंगे और बढ़िया काम करेंगे. हियर ऑल एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड एंड हैव वेरी फ्यू ग्रीवेंसेस, उनकी बहुत कम शिकायतें होंगी. लेकिन अगर हाई हाइजीन है और लो मोटिवेशन है, हाई हाइजीन का मतलब सैलरी बढ़िया है, वर्क हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया है, हमारा कलीग से बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, हमारा सुपरवाइजर से बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, लेकिन हमें रिकॉग्निशन नहीं है, हमें एडवांसमेंट नहीं है, हमारी ग्रोथ नहीं है, हमारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो क्या होगा. इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉयज हैव फ्यू ग्रीवेंसेस बट दे आर नॉट हाईली मोटिवेटेड. मतलब हमको बहुत बढ़िया सैलरी है लेकिन तब भी हमारा कुछ बढ़िया काम करने का हमारा मन नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें एडवांसमेंट नहीं है, हमारा इंट्रिंसिक नीड नहीं पूरी हो रही ना. एन एग्जांपल ऑफ दिस सिचुएशन इज वेयर पे एंड वर्किंग कंडीशंस आर कॉम्पिटिटिव बट द वर्क इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग.
दूसरा इसका ऑपोजिट लो हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन, यानी कि सैलरी तो बहुत अच्छी नहीं है और हमारा वर्क प्लेस पे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है और हमारा बॉस से हमारा रिलेशनशिप भी बढ़िया नहीं है, हाई हमारे पीयर ग्रुप से भी रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है, लेकिन हमको एडवांसमेंट का अवसर है, हमको अपॉर्चुनिटीज है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमको अचीवमेंट मिल रहा है, हमको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो क्या होगा इस दशा में? इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉयज आर हाईली मोटिवेटेड बट दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रीवेंसेस, बहुत मोटिवेटेड है लेकिन उनको बहुत सारी शिकायतें होंगी। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन इज वेयर द वर्क इज एक्साइटिंग बट द पे एंड कंडीशंस आर नॉट गुड। फिर लो हाइजीन लो मोटिवेशन, ना हमको बढ़िया सैलरी हो ना ही हम मोटिवेटेड है, दिस इज ऑब्वियसली अ बैड सिचुएशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और टीम टू फाइंड इट सेल्फ इन। हियर एम्प्लॉयज आर नॉट मोटिवेटेड एंड द हाइजीन फैक्टर्स आर नॉट अप टू स्क्रैच। ओके, हाउ टू यूज दिस मॉडल, कैसे यूज करें इस मॉडल को, हमको क्या करना है, जॉब हाइजीन स्ट्रेसर्स को हटाना है और मोटिवेटर्स को बढ़ाना है। तो पहला पॉइंट बनेगा इलिमिनेट जॉब हाइजीन स्ट्रेसर्स। तो क्या करें, रेक्टिफाई पिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक कंपनी पॉलिसीज, अगर पॉलिसी में गड़बड़ी है आप उसको चेंज कर दीजिए। इंश्योर ईच टीम मेंबर फील सपोर्टेड विदाउट फीलिंग माइक्रो मैनेज्ड, यानी कि हर टीम मेंबर को लगे कि वो हिस्सा है, वो ग्रुप का हिस्सा है। यू कैन डू दिस बाय यूजिंग सर्वेंट लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, तो जो मैनेजर्स हैं उनको डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे तो ये संभव है। इंश्योर दैट सैलरीज आर कॉम्पिटिटिव विद इन द इंडस्ट्री, यानी कि सैलरी बढ़िया कीजिए। इंश्योर देयर आर नो मेजर सैलरी डिस्पैरिटीज बिटवीन एम्प्लॉइज डूइंग सिमिलर जॉब्स, अगर एक जैसा काम करने वाले एम्प्लॉय हैं तो उनके सैलरी में अंतर नहीं होना चाहिए। टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड स्टेटस एम टू कंस्ट्रक्ट जॉब्स इन सच अ वे दैट ईच टीम मेंबर फाइंड्स देयर जॉब मीनिंगफुल, यानी कि हर व्यक्ति को लगे कि उसकी जॉब का कोई अर्थ है। ये हम करें तो हाइजीन स्ट्रेसर्स को हम हटा देंगे क्योंकि यही सब हाइजीन स्ट्रेसर्स हैं, तो डिससैटिस्फेक्शन रुक गया। अब क्या करें, सेटिस्फेक्शन बढ़ा लीजिए, बूस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। वंस यू हैव रिमूव्ड हाइजीन स्ट्रेसर्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू बूस्ट द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ ईच टीम मेंबर। अब हमको जॉब सेटिस्फेक्शन को बूस्ट अप करना है, कैसे कर सकते हैं, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इनलार्जमेंट कैसे करें, मींस गिविंग अ टीम मेंबर अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ टास्क टू परफॉर्म, यानी कि हम टीम मेंबर को बहुत सारे टास्क दें परफॉर्म करने के लिए। जॉब एनरिचमेंट, इनरिचिंग अ टीम मेंबर्स जॉब बाय गिविंग देम मोर चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स टास्क टू परफॉर्म, उनको और चैलेंजिंग दीजिए ताकि वो और मोटिवेटेड हो, उनकी इंट्रिंसिक नीड्स फुलफिल हो। और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मींस डेलीगेटिंग इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच टीम मेंबर, ईच टीम मेंबर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए तो देखिए वो खुद ही बढ़िया से बढ़िया काम करना चाहेंगे। तो कैसे हम हर्जबर्ग के मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे अपने एम्प्लॉय के बीच में, कि हम स्ट्रेसर्स को हटाएं और मोटिवेटर्स को बढ़ाएं। लिमिटेशन ऑफ दिए बावजूद इसके बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ खामियां हैं। जैसे द थियरी ओनली अप्लाईज टू व्हाइट कॉलर वर्कर्स, यानी कि बढ़िया जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है सिर्फ उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सैंपल है वही है, उसी पे इन्होंने किया है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव ये पूरी पॉपुलेशन का तो हो भी नहीं सकता। इट डज नॉट टेक एन इंडिविजुअल सिचुएशन और परसेप्शन इन टू कंसिडरेशन, इन्होंने किसी के इंडिविजुअल का क्या इंडिविजुअल डिफरेंस आ रहा है, उसकी कोई अपनी ऐसी दशा है जिससे वो अपनी जॉब से परेशान है या डिससेटिस्फाई, उसको इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया। The theory focuses on improving employee satisfaction that does not necessarily translate into increased productivity. यानी कि ये कहीं से नहीं ये साबित हो पा रहा है कि अगर हम highly motivated हैं तो productivity भी बढ़ा ही देंगे। There is no objective way to measure employee satisfaction within theory. Two-factor theory is subject to bias. For example, when an employee is satisfied, they will give themselves credit for that satisfaction. यानी कि पहली बात तो कोई ऑब्जेक्टिव वे नहीं है इसको नापने के लिए, दूसरी बात बायस्ड भी है ना कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, किस वजह से सेटिस्फाइड है जरूरी है वो आपको सही बताए, अगर आप उससे पूछने गए है ना वो कह देगा कि हम अपनी इंट्रिंसिक नीड के लिए बता देगा, तो इसका मतलब कोई वैलिडिटी नहीं है। देन समरी, हाउ कैन यू समराइज, हाइजीन फैक्टर्स विल कॉज एन एम्प्लॉय टू वर्क लेस इफ नॉट प्रेजेंट, है ना, यानी कि हाइजीन फैक्टर्स हमको कम, मतलब एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता अगर उसको हाइजीन फैक्टर नहीं मिलता है तो, जबकि मोटिवेटिंग फैक्टर्स विल इनकरेज एन एम्प्लॉय टू वर्क हार्डर इफ प्रेजेंट, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर्स अगर होते हैं तो हम उत्साहित होते हैं, हम अभिप्रेरित होते हैं बढ़िया काम करने के लिए। तो हमको क्या करना है, टू यूज द थ्योरी विद इन योर टीम स्टार्ट बाई गेटिंग एनी हाइजीन इश्यूज रिजॉल्व, यानी हमने पढ़ी लिया पहले कि हमको हाइजीन स्ट्रेसर्स को हटाना है, मोटिवेटर्स को बढ़ाना है। वंस यू हैव डन दिस यू कैन बूस्ट मोटिवेशन बाई पुटिंग इन प्लेस एज मैनी मोटिवेटिंग फैक्टर्स एज प्रैक्टिस, अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इसका मतलब कि हमारे एम्प्लॉइज एक्चुअली वर्क प्लेस पे मोटिवेटेड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और हम ये मान के चल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। डन, ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सोच के देखिए तो बहुत ही अच्छा लगता है जानने में, जब हम कोई नया कंसेप्ट जानते हैं, कोई नई थ्योरी के बारे में जानते हैं और उसको आप यूटिलाइज कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, उसको दूसरे लोगों को बताइए कि ऐसा होता है, ये भी एक तरीका है। So I have covered one more theory, and thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.
okay, done from my side.